नमस्कार दोस्तों, आज शाम के बज रहे हैं 6:30। पूरा दिन हो गया, आज लाइट नहीं आई है यहाँ, तो हमारे पास कई काम इकट्ठे हो गए हैं। तो पहला काम हमने ये खोला है, ये टीवी आया है 20 इंच का, तो हम इसको देखते हैं क्या है। इसमें सप्लाई आ रही है लेकिन टीवी ऑन नहीं हो रहा, देखते हैं दोस्तों इसको। सप्लाई नाप लेते हैं, सप्लाई क्या कह रही है। सप्लाई दोस्तों 105 वोल्ट सही बन रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और देखते हैं आगे और सप्लाई क्या कह रही है। एक सौ दस वोल्ट सप्लाई ठीक है, 105 है, उससे कोई फर्क नहीं है। 24 वोल्ट की भी सप्लाई ठीक है, 8 से 9 वोल्ट जो सप्लाई होती है वो भी ठीक है, साउंड सप्लाई भी ठीक है 14 वोल्ट। अब देखते हैं सिस्टम, लाइट दोस्तों फिर चली गई है, 5 वोल्ट भी सही बन रही है। ESD की तरफ जाने वाला भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ भी सही सप्लाई पहुँच रही है। ड्राइवर वोल्टेज पे भी दोस्तों सप्लाई ठीक पहुँच रही है। अब देख लेते हैं स्टैंड बाई वाले वोल्टेज, स्टैंड बाई वाले वोल्टेज दोस्तों नहीं बन रहे हैं। जो ट्रांजिस्टर के इनपुट पे करंट आता है वो आ रहा है लेकिन ये आउट नहीं कर रहा है। इसकी दोस्तों मेमोरी पिन पे भी वोल्टेज ठीक है, और जो IC से दो प्रिंट आते हैं उन पे भी, दोनों पे सब कुछ ठीक है, लेकिन बूस्ट दोस्तों नहीं बन रही है। तो इसमें दोस्तों हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए इसकी मेमोरी बदल के देखते हैं पहले, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट करके भी हम देख पा रहे हैं टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा है, जो पैनल वाला जैक होता है हमारा उससे ऑन नहीं हो रही है। मेमोरी चेंज करके देखते हैं इसकी, मेमोरी निकाल लेते हैं दोस्तों हम किसी चीज़ की सहायता से। ये हमने दोस्तों ब्रश ले लिया है, लाइट फिर चली गई है, थोड़ी देर के लिए आई थी लाइट फिर जा चुकी है, 5 मिनट आई होगी खाली। 5 मिनट में क्या इन्वर्टर चार्ज होगा हमारा। आज पूरा दिन दोस्तों हम खाली रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं और कुछ नहीं किया है दोस्तों। चलिए फिर भी उस तो दम आ गई होगी इन्वर्टर में, देखते हैं। दोस्तों कम है इसलिए हमारा आयरन जरा हल्का गर्म है, इसलिए थोड़ी सोल्डरिंग छुटाने में परेशानी हो रही है। दोस्तों मेमोरी की हमने सोल्डरिंग हटा ली है, इसको निकालते हैं। ये दोस्तों मेमोरी IC हमने निकाल दी है, आप देख सकते हैं ये 8 पिन की मेमोरी IC होती है ये, तो हम किसी किट में से निकाल के लगाते हैं। किट भी हमारे पास अवेलेबल हैं, काफ़ी पुरानी।
पीसी भी किट में दोस्तों मेमोरी नहीं मिल रही है, क्योंकि लगभग सब किटों में से हमने निकाल रखी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ढूंढने में। दोस्तों एक मेमोरी मिल गई है हमें, ये प्लेट है, इसमें से निकालेंगे। लाइट दोस्तों आ चुकी है, फिर पूरा दिन दोस्तों कोई काम नहीं हो पाया है, आज खाली बैठे हैं ऐसे ही, क्योंकि इन्वर्टर डाउन हो गया था। दोस्तों मेमोरी निकाल ली इसकी हमने, इसको साफ कर लेते हैं पेस्ट लगा के। यहाँ थोड़ी जगह ये साफ कर लेते हैं, मेमोरी दोस्तों लगा लेते हैं। मेमोरी दोस्तों कई नंबरों की आती हैं, 24 से 16, 24 से 08, ये दोनों एक दूसरे पे चल जाती हैं। बस ये होता है कभी कभी सर्विस मोड अगर गड़बड़ हो जाता है तो सेट करना पड़ जाता है। ये दोस्तों हमने मेमोरी सोल्ड कर दी है। अरे सामने वाला गेट ही पाटक का है, बिल्कुल जय इसके सामने लगा के देखते हैं दोस्तों। मेमोरी दोस्तों दूसरी डालने पर कुछ सेकंड के बाद सेट ऑन होता है, ये हम इंतज़ार करते हैं। दोस्तों बूस्ट बन चुकी है, सेट ऑन हो गया है, रोशनी भी आ चुकी है दोस्तों सामने, लिटरेस लाइनें आई हैं कुछ, वो भी देखते हैं क्या बात है। 180 वोल्ट करंट नापते हैं क्या कह रहा है। ये करंट दोस्तों कम है, तो हो सकता है इस पे एक कंडेंसर होता है लगा हुआ, वो खराब हो, चेक करते हैं इसको। दोस्तों कंडेंसर गला हुआ है, देख सकते हैं कंडेंसर आप दोस्तों, इसकी एक टांग गली हुई है। ये भी हम दूसरा लगाते हैं तो हमारी रिटेस लाइनें गायब हो जाएंगी। इसी किट में से निकाल लेते हैं, इसमें ज़रूर लगा होगा। काफ़ी बड़ा कंडेंसर लगा हुआ है इसमें, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। आप 2.2 MFD से लेके 10 MFD तक का कंडेंसर आप लगा सकते हैं। 10 MFD 250 वोल्ट का कंडेंसर है, ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, बढ़िया कंडेंसर लगा रहे हैं दोस्तों हम। दोस्तों रिट्रेस लाइनें गायब हो चुकी हैं, आज ठीक हो गया है। मैं ये जुगाड़ से लगा के देख लेता हूँ ऑडियो वीडियो। पहले तो इसमें ऑडियो वीडियो करना होगा मुझे, क्योंकि नई मेमोरी पड़ी है, वो रिमोट से ही करना पड़ेगा। दोस्तों रिमोट ये आप देख ही सकते हैं, चाइनीज रिमोट है ये। दोस्तों ये भी हो चुका है, चाइना भाषा में आया है लिख के,
अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं लगा के, कैसा आया है, क्या है दिक्कत। दोस्तों प्रोग्राम भी आ चुका है, इसमें दो जैक लगे हुए हैं दोस्तों ऑडियो वीडियो के। पहले इसमें था लगा हुआ जैक, तो ये भी टू लगाना पड़ेगा हमें। ये भी टू दोस्तों लग चुका है। प्रोग्राम दोस्तों आ चुका है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो भी आप देख सकते हैं, वो की आवाज़ आ रही है। तो अब हम इस टीवी को पैक कर लेते हैं। एक टीवी हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। दूसरे टीवी की दोस्तों वीडियो मैं कल आपको बना के दूंगा, इस वाले की। ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है, इसमें वर्टिकल फॉल्ट है, इसका वीडियो मैं आपको कल बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों।